हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट आ रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। तो फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है, एक नवरत्ना कंपनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए फ्रेशर्स वाले भी एलिजिबल रहेंगे और एक्सपीरियंस वाले भी एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांचेस एलिजिबल हैं यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, केमिकल, एरोस्पेस। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्टें रिलीज़ हुई हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की 164 काफ़ी बम्पर वैकेंसी रिलीज़ हुई है, मैकेनिकल वालों के लिए 106, कंप्यूटर साइंस के लिए 47, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 7, केमिकल के लिए 1, एरोस्पेस इंजीनियरिंग वालों के लिए 2 पोस्टें, 327 पोस्ट टोटल रिलीज़ हुई है। इसमें क्वालिफिकेशन जो है बीबीटेक बीएससी 4 ईयर्स कोर्स मांगी गई है, इंजीनियरिंग डिग्री इन रेलिवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए, 55% मिनिमम मार्क्स मांगी गई है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन 2 ईयर्स मांगी गई है फ्रेंड्स, अपर एज लिमिट 32 ईयर्स, रिजर्वेशन अनरिजर्व के लिए 132 वैकेंसी, ओबीसी वालों के लिए 88, ईडब्ल्यूएस के लिए 33, एससी वालों के लिए 49, एसटी के लिए 25, कंसोलिडेटर रेमुनरेशन पर मंथ आप लोगों की जो रहने वाली है फर्स्ट ईयर में, ये आप लोगों की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहेगी फ्रेंड्स। फर्स्ट ईयर 40,000, सेकेंड ईयर 45,000, थर्ड ईयर 50 और फोर्थ ईयर 55,000 मिलेगी फ्रेंड्स। इसी तरह ट्रेनी इंजीनियर जो कि आप लोगों के लिए फ्रेशर्स वाले एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में 100 वैकेंसी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 101 वैकेंसी रिलीज़ हुई है। क्वालिफिकेशन जो है बीबीटेक इन दिस डोमेन होना चाहिए, 4 ईयर्स की कोर्स और 55% मिनिमम मार्क्स इसमें मांगी गई है फ्रेंड्स। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रखी गई है, अपर एज लिमिट 28 ईयर्स बताई गई है फ्रेंड्स, और यहाँ पर अनरिजर्व वालों के लिए 45, ओबीसी के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 25, एससी वालों के लिए 9 और एसटी के लिए 9 वैकेंसी रिलीज़ हुई है। रेमुनरेशन आप लोगों का यहाँ पे जो रहने वाला है फर्स्ट ईयर 30,000 पर मंथ, सेकेंड ईयर 35, थर्ड ईयर 40,000, एज़ पर आप लोगों का परफॉर्मेंस जो है वो एक्सटेंड की जा सकती है आप लोगों की फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है प्रोजेक्ट टर्म्स और इंगेजमेंट एंड अलाउवेंस आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर में बता चुका हूँ, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आप लोग इसी तरीके से मिलेगी रेमुनरेशन। ट्रेनी इंजीनियर वालों के लिए भी अपर एज लिमिट भी बता चुका हूँ और रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट रूल आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे सब डिसिप्लिन भी एलिजिबल रहेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन वाले एलिजिबल रहेंगे, मैकेनिकल में सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, केमिकल में केमिकल, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई वाले और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस में एरोनॉटिकल और एयरस्पेस वाले एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स। तो काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों को फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस काउंट की जाएगी फ्रेंड्स। अगर आपका यहाँ पे नवरत्ना कंपनी में एक्सपीरियंस मिलता है तो आगे की आप लोगों की और आसान हो जाएंगी जॉब ढूंढने में और अच्छी जॉब मिलने में फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहने वाला है फ्रेंड्स, रिटन टेस्ट सीबीटी कंडक्ट कराई जाएगी 85 मार्क्स की, और उसके बाद अगर आप इसके शॉर्टलिस्ट होते हैं तो इंटरव्यू के 15 मार्क्स रखी गई है फ्रेंड्स। यानी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे आप लोगों का जो है सिलेक्शन होने वाला है फ्रेंड्स। और यहाँ 1:5 रेशियो रखी गई है, यहाँ पे अप्लाई इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके कर सकते हैं। 18th of May लास्ट डेट रहने वाली है फ्रेंड्स, तो उससे पहले पहले ज़रूर से अप्लाई कर दे। एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो 400 प्रोजेक्ट इंजीनियर वालों के लिए प्लस 18% GST, ट्रेनी इंजीनियर के लिए 150 प्लस 18% GST, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज उनको कोई भी फीस नहीं देनी है, एग्जेम्प्टेड रहेंगे वो फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है फ्रेंड्स, ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट में।